वेलकम टू पूजा एकेडमी बच्चों, आज हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो बहुत ही इजी पार्ट है, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, छोटी वीडियो होगी, देख के समझ जाना, अपने बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प होगी और सो जरूर सॉल्व करना बच्चों, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो सर इसका सिंबल क्या है ना, हमारे बुक में इसके सिंबल लिखे हुए हैं। तो दो तरह के सिंबल दिखाए जाते हैं तुमको, या तो तुम इसको एन के फॉर्म में देखोगे या तो म्यू के फॉर्म में, इसी में दिखाया जाता है। और सर फॉर्मूला इसका तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बच्चों, म्यू या फिर एन कह सकते हो ना। इसका क्या होता है, तो होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, या फिर कह सकते हो आप स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो है सर ये, एक तो वैक्यूम में और एक किसका मीडियम के अंदर। वैक्यूम वाले को तो याद हो तो बच्चों, इसको शॉर्टकट में सी लिख दिया जाता है और इसको क्या लिख दिया जाता है, वी लिख दिया जाता है। यानी जो फॉर्मूला निकल के आता है दैट इज म्यू कह दो या फिर एन कह दो, बट फॉर्मूला क्या है, सी बाय वी। सी बाय वी का मतलब जहाँ पे सी क्या होता है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और इसकी वैल्यू हमें पता होती है दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और वी सर स्पीड ऑफ लाइट इन अ गिवन मीडियम, ये हर मीडियम में अलग अलग होती है, तो उसके लिए आपको गिवन होगा ये क्या होता है। तो बेसिक सा पूरा फंडा समझाऊँ मैं अभी तक क्या बताया है, तो दो चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है, दो बात समझ में आती है। बहुत ही सिंपल सर, सिंबल या तो एन बोल दो या तो आप क्या बोल दो इसको, म्यू बोल दो। एक पहली चीज़ समझ में आ गई सर। दूसरी चीज़ क्या है सर, सर दूसरी चीज़ है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, इट इज़ द रेशियो, किस किस का रेशियो है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सी से डिनोट करते हैं और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। सी की वैल्यू सर पता होनी चाहिए दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आई बात समझ में, हाँ सर दो बात अच्छे से क्लियर हो गई है, सिंबल और इसका फॉर्मूला। अब की ओर चलते हैं, जिसमें मैं सीधा टाइप नंबर वन के क्वेश्चन कराता हूँ तुमको। टाइप नंबर वन का क्वेश्चन क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक बात, बिल्कुल बेसिक बात पूछ रहा है। बोला व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज दिस। अब स्पीड ऑफ लाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, बिल्कुल सर। फॉर्मूला पता है आपको, बिल्कुल सर। अभी अभी जस्ट अभी अभी आपने याद करवाया, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। सी क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। वी क्या होता है सर, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। वैक्यूम की स्पीड तो सर हमें ऑलरेडी पता होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और सर ये वी क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम, अरे वॉल्यूम थोड़ी ना यार, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी दे रखी है, 3 × 10⁵। 3 नहीं है सॉरी, 3 2.5 है, हाँ 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 10⁸ से 10⁸ कैंसिल आउट, ये पॉइंट रहेंगे ऊपर 30, यानी कि 30 / 25, 5 से डिवाइड कर लेते हैं दैट इज 5/6, और ये 5, यानी फाइनल आंसर इज 6/5। और इसको प्रॉपर डिवाइड करोगे तो 5 1, और ये 5 1.2 1.2। सर इसका कोई ऐसा यूनिट नहीं होता, बिल्कुल नहीं बच्चों, इसे नो ऐसा यूनिट, इसकी कोई भी ऐसा यूनिट नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती, बताओ बताओ बताओ, अभी बताता हूं। क्योंकि बताओ ऊपर भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीट एयर, और नीचे भी स्पीड है, ऊपर भी मीटर पर सेकेंड और नीचे भी मीटर पर सेकेंड, दोनों डिवाइड करोगे तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब यानी यूनिट लेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है हमारा, यूनिट लेस होता है। आई होप बात समझ पा रहे हो। तो सर ये जो टाइप था, पहला टाइप हमें क्या सिखाना चाहता है, पहला टाइप आपको बस ये सिखाना चाहता है बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट अगर किसी मीडियम की गिवन है तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाँ सर, यानी
स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड से हम क्या निकालना सीख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई बात समझ में? ये कौन सा टाइप है सर? टाइप नंबर वन, जिसमें हमें स्पीड गिवन होगी और हमें क्या निकालना होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। हाँ सर, ये तो आता है सर। सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं, अगली स्लाइड बढ़ाता हूँ मैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो दे रखा है। हाँ हाँ, ये भाई ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, इसको कमेंट में बताना बच्चों इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, टाइप वन में ही बेस्ड रहेगी, जिसमें मैंने तुमको स्पीड दे रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मैं फाइंड आउट कर देना, जो बच्चा सबसे पहले कमेंट करेगा बच्चों उसका कमेंट लाइक किया जाएगा, ठीक है। और कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान था। अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम्हें कुछ प्राइज वगैरह भी दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, ये देखो टाइप टू का क्वेश्चन आ गया। जैसा मैंने तुम्हें कहा था, क्या कहा था सर, मैंने कहा था कि बच्चों अब टाइप टू में क्या होगा, अब हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन होगा और हमसे क्या पूछेगा, स्पीड पूछने की कोशिश करा रहा है। आई इनके मैसेज में, हाँ सर आ गई। पहले टाइप में रिवर्स था, स्पीड गिवन थी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा था, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है और स्पीड पूछी जा रही है। कर देंगे सर, नो प्रॉब्लम, हम पे भरोसा रखो। अरे तुम पे तो भरोसा है बच्चों मुझे। ये देखो म्यू का फॉर्मूला बताओ, सी बाय वी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। क्या इस बार हमें म्यू गिवन है? हाँ सर, इस बार म्यू हमें ऑलरेडी गिवन है। म्यू की जगह रख दो आप 3/4, ठीक है सर। सी की जगह क्या रखा जाए, तो सी हो जाएगा हमारा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस बार वेलोसिटी हमें गिवन नहीं और हमें यही फाइंड आउट करना है सर, बस सर। ये तो बाकी सिंपल मैथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर यहाँ से। तो यहाँ से जो वी निकलेंगे हम, तो वी बराबर आ जाएगा 4 × 3 दैट इज 12, 10⁸ डिवाइडेड बाय 3। फिर इसको काट दोगे सर, तो v इज इक्वल टू 4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही सिंपल, टाइप नंबर टू डन है। टाइप वन और टू दोनों समझ में आ गए। वन में क्या था बच्चों, वन में था सर आपको स्पीड से क्या निकालना था, म्यू निकालना था। टाइप टू में क्या किया सर हमने, म्यू से क्या निकालने की कोशिश करी है, स्पीड निकालने की कोशिश करी है। डन है, आई बात समझ में? यस सर, आगे बिल्कुल। अच्छा आगे बढ़ते हैं टाइप थ्री की ओर, बट इससे भी पहले मैंने भाई सेम क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन के लिए एक और दे रखा है, क्योंकि अब मेरे को तो समझ में आया ना, चूंकि अब आपको आया है कि नहीं आया है समझ में। एक टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपको जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ समझ पाए हो या नहीं समझ पाए हो, क्वेश्चन से। इसीलिए मैंने क्या कर रखा है कि एक टाइप का क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है और उसके बाद एक एग्जाम्पल या कह सकते हो एक डमी क्वेश्चन मैंने तुम्हें दे रखा है, इसको सॉल्व करो और कमेंट करो। जैसे मुझे कमेंट अच्छा दिखेगा, सही दिखेगा, यानी आंसर सही होगा, तो मैं बोलूँगा कि हाँ जो मैंने पढ़ाया बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। कमेंट ज़रूर करना बच्चों, है ना, नेसेसरी है, ज़रूरी है, मेरे को पता चल जाएगा कि आपको आया नहीं आया। टाइप थ्री की ओर बढ़ते हैं बच्चों, टाइप नंबर थ्री। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट में है भाई। ज़्यादातर बच्चे जो अटक जाते हैं, जो मैंने देखा है बच्चे फंस जाते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें बहुत टफ लगता है, तीन तीन चीज़ें दे दी गई होती हैं, बच्चे से सॉल्व नहीं हो रहा होता है। तो बट उतना मुश्किल है नहीं ये वाला जितना तुम्हें लगने लग जाता है, बट मैं दिखाता हूँ। देखो क्या वो लिखा है, इफ़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना दे रखा है, 4/3। सर ये क्या लिख दिया आपने, म्यू डब्ल्यू लिख दिया बच्चों, म्यू डब्ल्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, एंड दैट ऑफ वाटर, वाटर इज 4/3। और ग्लास का कितना रखा है बच्चों, ग्लास, ग्लास का दे रखा है 3/2। पूछा क्या है उसने, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर।
अब तो बहुत सारे बच्चे यहीं WRT में ही कन्फ्यूज, WRT क्या होता है, WRT क्या होता है, अरे सिंपल सा होता है, विद रिस्पेक्ट टू। अब मैथ वाले बच्चे जानते हैं विद रिस्पेक्ट टू का मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू मतलब डिवीजन, रेशियो, या फिर तुम कह सकते हो इनके सम्मान में कहा जा रहा है हिंदी के हिसाब से तो सम्मान होता है, सर हमारा सम्मान किया जाएगा, बिल्कुल ग्लास का सम्मान किया जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो क्या करना है सर इस बारे में, ये देखो बच्चों, जो भी चीज़ बोली गई है उसको मैं लिख रहा हूँ, इंग्लिश को मैथ में कन्वर्ट करने, साइंस में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ग्लास ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, जिसकी रिस्पेक्ट बोली जाती है बच्चों उसको डिवाइड में रखा जाता है, ठीक है, नहीं आया समझ में, नहीं आया सर, नहीं आया, एक बार मैं रफ करके इरेज करता हूँ, रुको तो मैं आया समझाता हूँ, देखो दोबारा बोलो, देखो क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सर जिसका पूछा गया है वो ऊपर, ठीक है सर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइड, आया समझ में, हाँ सर आ गया आ गया, जिसका पूछा गया व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सर वो ऊपर, ग्लास ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, बताओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया सर, 4/3, वाटर का कितना है सर, वाटर का कितना, अच्छा मैंने गलत लिख दिया बच्चों, ग्लास मैंने गलत लिख दिया, शेट यार, ग्लास का था डेंटन, धूम मचाले हो गया मेरे साथ, तो धप्पा हो गया, कोई बात नहीं, तुम हो ना तुम बचाले हो गए मुझे अच्छा म्यूजी कितना है, म्यूजी है हमारे पास 3/2, म्यू डब्ल्यू 4/3, आई कि नहीं बात सुनना, हाँ सर, अब मैथ के रूल के हिसाब से ये 3/2 रहेगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो रिवर्स हो जाएगा, दैट इज 3/4, और 3 3s are 9, 4 times 2 is 8, यानी कि अगर मैं इसको, अच्छा तो मैं देख नहीं रहा, स्क्रीन से बाहर चला गया, अभी ठीक करते हैं इसको, यहाँ लिख देते हैं, दैट इज 9/8, और इसको हटा देते हैं, फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 9/8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 9/8, टाइप 3 समझ में आया बच्चों, हाँ सर, एक बार रिपीट करता हूँ मैं ताकि तुम्हें पूरे दिमाग में अच्छे से फिट कर सकूँ मैं, टाइप 1 क्या था बताओ सर, स्पीड से क्या निकालना, बोलो बोलो बोलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, गुड, फिर दूसरा सीखा हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या निकालना बच्चों, स्पीड निकालना, 3 में क्या सीखा, 3 में सीखा कि अगर दो मीडियम दे रखे हैं, एक ग्लास है एक वाटर है, अलग भी हो सकता था मीडियम 1 और मीडियम 2 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, अब इन दोनों का क्या पूछा जाएगा बच्चों, रेशियो पूछ सकता है, तो सबसे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, टाइप 1 हो चुका है हमारा, टाइप 2 हो चुका है हमारा, अब टाइप नंबर 3 में हमने क्या सीखा, तो टाइप नंबर 3 में हमने सीखा कि अगर दो मीडियम दे रखे हैं तो उनका विद रिस्पेक्ट टू वाला सिनेरियो कैसे समझा जाता है, तो अगर मैंने लिखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम नंबर 2, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो मैं बताता हूँ बच्चों, जिसका पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका पूछा गया है, 1 का, तो 1 को रख दो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कर दो, डिवाइड, डन है, हाँ सर, अब बात अच्छे से भेज में घुस गई है, समझ में आ गई है, आप आगे बढ़ो, तो जनता आगे बढ़े, चलो अगले में आ गया मैं, देखो अगर तुम्हें अब ये समझ में आएगा तो आप हीरो हो, अगर आपको आ गया तो भाई साहब आप खतरनाक बच्चे बन चुके हो, आप तुम्हें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कोई हरा नहीं सकता, तो पहले टर्म पढ़ेंगे सॉल्व करेंगे और जानेंगे, ठीक है बच्चों, देखो क्या लिखा है, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 5/4, तो पहले तो इसी को लिखवाओ, चलो अगर आप ये लिखवा पाए समझ पाए तो आधी जंग हमने जीत ली है, क्योंकि फिर आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला सिनेरियो तुम्हारे लिए बहुत आसान हो गया, क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा और किसका डिवाइड में जाएगा, तो सर ग्लास का ऊपर है ना,
जो पहले लिखा है ग्लास, तो इसको लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बोला है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी डिवाइड में क्या चल रहा है, वाटर चल रहा है सर। ये किसके बराबर है सर, तो दिस इज 5/4 के। अगला पढ़ते हैं, एंड दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या सर पहले तो एक ही हुआ करती थी, अब दो दो इक्वेशन? हाँ अच्छा, दो इक्वेशन दे दिए, क्या दिक्कत है, आसान है फिर भी। वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, मेरे ख्याल से अब बच्चे समझ गए यार कौन ऊपर है और कौन नीचे। सर वाटर का बोला गया है तो आप वाटर का क्या करोगे, ऊपर रखोगे। किसके रिस्पेक्ट में बोला गया है, एयर की, तो आप म्यू ए कर दो, इज 4/3, 4/3, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर, इक्वेशन टू बन गई। हाँ सर दोनों बना ली। अब पूछा क्या है, अब तो बकवास क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, ग्लास का पूछा गया है एयर के रिस्पेक्ट में। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ और फटाफट बता देता हूँ, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब बताओ मुझे फाइंड क्या करना है बच्चों, मुझे फाइंड करना है कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, एयर, तो ग्लास डिवाइड बाय एयर करना पड़ेगा। अब बात ये कि सर आप म्यूजी निकालोगे कैसे, म्यूजी तो हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या इक्वेशन वन से हम म्यूजी की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल। यहाँ से म्यूजी की वैल्यू बताओ बच्चों, यहाँ से म्यू और जी की वैल्यू क्या आएगी, सर ये म्यूजी आ जाएगा 5, ये डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय 4। हाँ सर फिर क्या पूछा है, म्यू ए, तो यहाँ से म्यू ए निकाल, क्या दिक्कत है, यहाँ से म्यू ए निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से म्यू ए निकाल लो, यहाँ से म्यू ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज 3 टाइम्स ऑफ म्यू डब्ल्यू डिवाइड बाय 4, डन है। हाँ सर समझ में आया, सर ये क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे आसान है, दोबारा बताऊँ, दोबारा सुनो, सबसे पहले बोला था म्यूजी निकालना था, तो इक्वेशन वन से मैंने क्या निकाला बच्चों, म्यूजी, म्यूजी कैसे निकाला सर, जो डिवाइड में था वो ऊपर जाके क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था आपने यहाँ पे, तो म्यू डब्ल्यू जो डिवाइड में था उधर जाके क्या हो गया बच्चों, मल्टीप्लाई हो गया, ये वैल्यू आ गई। म्यू ही निकालना था सर, ये तो डिवाइड में था, तो म्यू की वैल्यू 3 म्यू डब्ल्यू बाय 4। अब इसको बस क्या कर दो, इसके अंदर पुट कर दो, म्यूजी की वैल्यू कितनी आई है सर, 5 वाटर बाय 4, इस पूरे को किससे डिवाइड कर दो, 3 डब्ल्यू बाय 4, म्यू डब्ल्यू से म्यू डब्ल्यू गया, 4 से 4 गया, फाइनल आंसर इज 5/3। बहुत ही सिंपल एंड आसान, सर आपके लिए आसान है, हमारी तो सांसें अटक गई, अरे सांसें अटकने वाला क्वेश्चन नहीं यार, आसान था कैसे सर, एक बार दोबारा रिपीट कर दो, रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने बच्चों को अटकते हुए देखा है, अगर तुमने ये कर लिया जंग जीत ली एकदम, बहुत बढ़िया पेपर जाएगा तुम्हारा। तो देखो क्या बोला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, सर इतनी बात समझ में आ गई है, जो पहले बोला गया है वो ऊपर और जो रिस्पेक्ट में है वो डिवाइड में, 5/4 इज इक्वल टू 1 किया। फिर क्या बोला गया था, दैट ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, वाटर को ऊपर रखा एयर नीचे रखा, ये आ गया 4/3, इक्वेशन नंबर 2 बना दी। जो पूछा गया था वो लिखा सर आपने, ग्लास का पूछा गया था विद रिस्पेक्ट टू एयर, उसको डिवाइड कर दिया। फिर सर म्यूजी की वैल्यू और म्यू की वैल्यू निकाली आपने इक्वेशन 1 से इक्वेशन नंबर 2 से, वैल्यू पुट करी, जो डिवाइड हुआ कट गया, वो फाइनल आंसर आ गया। आया समझ में, अब सोचो बच्चों मैंने क्या किया होगा, इसके लिए एक डमी क्वेश्चन दिया होगा आपको, बिल्कुल दिया होगा, ये रहा तुम्हारा डमी क्वेश्चन, इसका भाई कमेंट में मेरे को आंसर चाहिए ही चाहिए, सभी को करना है बच्चों, है ना, मैं चेक करूंगा, मॉनिटर करूंगा कि कौन बच्चा कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, कमेंट करना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अगला टाइप और ये लास्ट टाइप है बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने देखा है आते हुए कि एक वाटर टैंक है, उसकी एक्चुअल डेप्थ अलग होती है और दिखता कहीं और है वो, है ना, ऐसा होता है, जैसे एक ग्लास है,
ऐसा होता है ना कि अगर इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अगर हम इसके अंदर पेंसिल रखते हैं तो हमें बेंडेड फॉर्म में दिखती है, ऐसे पेंसिल में बेंडेड दिखती है। क्यों होता है ऐसा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता है ऐसा, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। तो कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ की बात की जाती है। देखो टाइप फोर है भाई। टाइप फोर में क्या है? अ वाटर टैंक दैट अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम अ टॉप, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ। तो बहुत सिंपल, मैं तुम्हें इसका फॉर्मूला लिखवा दूं पहले। तो यहाँ पे लिखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब म्यू। इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ मतलब असली में कितना गहरा है वो पानी, वो पानी असलियत में कितना गहरा है, डिवाइड में एपरेंट डेप्थ। एपरेंट डेप्थ, एपरेंट मतलब सर जो हमें दिख रहा है, फेक, दिखने वाला फेक, और एक्चुअल डेप्थ में असली में पानी कितना गहरा है। आई कि नहीं बस समझ में? तो कुछ इसका फॉर्मूला है, इसके हिसाब से पढ़ते हैं और वैल्यू पुट करनी है इसमें अंदर। बताओ अ वाटर टैंक अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप, एक पानी का टैंक है जो कैसा दिख रहा है, 4 मीटर डीप दिख रहा है बच्चों, ये एक्चुअल नहीं है, ये हमें ऐसा अपीयर हो रहा है, अपीयर बोला गया। अपीयर का मतलब ये कैसा माना जाएगा बच्चों? एपरेंट माना जाएगा, ठीक है सर। यानी मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे एपरेंट डेप्थ, ओ एपरेंट एपरेंट डेप्थ एडी वो कितनी दे रखी है सर? 4 मीटर। फाइंड क्या करनी है सर? हमें फाइंड करनी है एक्चुअल डेप्थ। एक्चुअल डेप्थ हमें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या गिवन है? म्यू दे रखा है सर आपको 4/3। सही, तो पूरा फॉर्मूला ही है, यानी कि यस 4/3 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ, हमें पता नहीं है वही निकालनी है, तो सर एक्चुअल डेप्थ। और नीचे कितना रख दूं मैं? 4 मीटर। यहाँ पे क्या रख देते हैं? 4 मीटर, ये इधर। तो यहाँ से एक्चुअल डेप्थ की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बच्चों? 16 मीटर डिवाइड बाय 3। दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 5.33 meters। आई की नहीं बस समझ में? सर क्या क्वेश्चन था एक बार दोबारा समझा दो। अरे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोले एक तालाब है, सपोज कोई तालाब है या वाटर टैंक ही है, वाटर टैंक है, पानी भरा हुआ है उसके अंदर, अगर हम उसको देखते हैं, यहाँ से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें उसकी डेप्थ कितनी दिखती है? हमें डेप्थ दिखती है 4 मीटर। ये एपरेंट है बच्चों, ये हमें दिख रहा है ऐसा, फेक है ये। तो ये पूछ रहा है अगर एपरेंट 4 है तो एक्चुअल डेप्थ कितनी, एक्चुअल में पानी कितना, या फिर जो पॉन्ड है, टैंक है, वो कितना गहरा है, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, फॉर्मूला क्या है सर? एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय एपरेंट डेप्थ, 4 मीटर। और ये कुछ आई बात समझ में? बिल्कुल सर। क्या अब मैं फिर से एक डमी क्वेश्चन तुम्हें दे सकता हूँ? बिल्कुल बच्चों, ये सॉल्व करो, सॉल्व करके मुझे बताओ आपका फाइनल आंसर कितना आता है। फिर से वही बात, कमेंट करना है, ज़रूरी है, मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वाली वीडियो में मिलते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि सर आपने हमें ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला समझा दिया, अगर आपको भी कोई ऐसा लगता है कि एक छोटा सा टॉपिक सर ये है ये भी समझा दो, आप जिसमें ज़्यादा वोटिंग पड़ेगी मैं वो एक सॉल्व करूँगा बच्चों, ठीक है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन करा दो, केमिस्ट्री के करा दो, बायो के करा दो, मैं वही कराने लग जाऊँगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा और जल्दी से जल्दी बना दूँगा बच्चों, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।